चैनल इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लिपिका। टाइटल से तो आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि ये वीडियो क्या होने वाला है। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा रेप्लिका। जी हाँ गाइस, ये जो लहंगा है मेरे पास आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये बिना खोले ही लग रहा है। ग्रीन कलर का ये लहंगा है और ये मैंने खरीदा है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि जो मेरा पिछला वाला हॉल था लहंगा हॉल वो मैंने खरीदा था अमेजोन से। दो लहंगे मैंने दिखाए थे और उनके प्राइसेस थोड़े कम थे। इस बार मैं थोड़ा बजट से ऊपर गई हूँ। ये 3K का लहंगा है पर उस हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है गाइस। जो पिछले लहंगे मैंने दिखाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में यही छोड़ दूंगी, प्लीज गो चेक आउट दैट वीडियो। दो लहंगे मैंने वहां पर दिखाए हैं जिनकी प्राइसिंग थी 1500 ईच और उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी क्वालिटी थी, मुझे काफी पसंद आए थे वो लहंगे। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा और बजट ऊंचा किया जाए, क्योंकि शायद आपके फैमिली में शादी हो या आपको उससे भी थोड़ा हैवी कुछ पहनना हो, तो उस हिसाब से लहंगा काफी अच्छा है। मुझे दिखने में बाहर से काफी अच्छा लग रहा है। मैंने खोल के नहीं देखा है कि इसका यू नो घेर कैसा है या मटेरियल कैसा है, वो मैं अभी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी। सो जी हाँ गाइज, ये सब्यसाची का डिजाइनर लहंगा रेप्लिका है जो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। आई थिंक ये अमेजोन में भी है, बट सिंस पिछली बार मैंने अमेजोन से ट्राई किया था, इस बार मैं फ्लिपकार्ट से ट्राई करना चाहती थी। और ये पीस आई थिंक अमेजोन में भी सोल्ड आउट था, काफी यू नो हाई सेलिंग बेस्ट सेलिंग पीसेस में से ये एक पीस है। ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है एंड राइट नाउ ऑल्सो जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये आउट ऑफ स्टॉक है। पर अगर आपको ये लहंगा पसंद आए तो आपको नोटिफाई मी वाला बटन दबा दीजिए, जब भी वो स्टॉक में वापस आएगा आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि वापस आ गया, आप फटाफट उसे ऑर्डर कर देंगे। काफी बेस्ट सेलिंग पीस है ये, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। सो जी हाँ, प्राइसिंग इसकी 2999 है एंड मटेरियल सिंक है, सिल्क है और पूरे लहंगे में इस तरीके काम किया गया है, वो अभी खोल के देखेंगे कि कैसे। तो चलिए हम इसको खोलते हैं। अभी बहुत ही अच्छे पैकेट में आता है तो स्टोरेज बहुत इजी हो जाती है आफ्टर यूज। चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये है एक ब्रांड से जिस ब्रांड का नाम है जी क्लोथिंग, और उनको उनके स्टोर पे भी मैंने जाके देखा फ्लिपकार्ट में, उनका फ्लिपकार्ट में उनकी भी रेटिंग काफी अच्छी थी। सो मोस्ट ऑफ द लहंगा जो वो सेल करते हैं बहुत अच्छे रिव्यूज उनको मिले थे। सो ये आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन मेरे को पहले ही लग रही है। तो पहले हम लहंगा देख लेते हैं। सो ये है लहंगा गाइस, आप देख सकते हैं सामने नीचे की तरफ कितना हैवी काम यहाँ पे किया गया है। मैं इसे खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। सर ये देखिए, काफी अच्छी इसमें डिजाइनिंग करी गई है, काफी अच्छा यू नो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑम्ब्रे कलर का इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं सेम कलर नहीं है, अलग अलग शेड्स ऑफ ग्रीन है ये, एंड देन पूरे लहंगे में इस तरीके के येलो रोजेस एंड यू नो ग्रीन लीव से पूरे लहंगे में डिजाइन किया गया। आप देख सकते हैं काफी भारी मुझे फिलहाल ये लहंगा लग रहा है, मतलब इतना भारी नहीं कि आप कैरी नहीं कर सके, पर इतना भारी कि लग रहा है कि इसका जो खेल होने वाला है, इसका जो फ्लो होने वाला है, जो स्टिफनेस जो होना चाहिए लहंगे में नीचे वो होगा, क्योंकि काफी अच्छा खासा भारी है ये। एंड देन आपको यहाँ पे मिल जाता है ये ग्रीन कलर की पट्टी जिसमें आप यू नो आपका जो भी नाड़ा वाड़ा है जिसको आप लगा के यूज कर सकते हैं। और यू नो वेस्ट वाइज अगर आप देखें तो मुझे ये काफी ज्यादा नहीं लग रहा है कि ये ज्यादा साइज के लोगों को आएगा, आई थिंक मैक्सिमम डबल एक्सएल के लोग इसे पहन सकते हैं। तो इस तरह की ग्रीन कलर की पट्टी सामने आती है। देन आप देख सकते हैं पूरे लहंगे में बहुत ही प्यारा रोज का काम किया गया है, येलो रोज एंड ग्रीन लीफ, और जो कॉन्ट्रास्ट ये है यू नो ऑफ वाइट ग्रीन एंड येलो ये बहुत ही यूनिक है। इवन जो पिंक वाला पीस था वो भी काफी प्रिटी था, बट आई चोज दिस बिकॉज आप इसको यूज कर सकते हैं हल्दी में, मेहंदी में, अगर आपकी घर की शादी है तो आपका तो यू थोड़ा हैवी लहंगा पहनना बनता है। देन आपको यहाँ मिल जाता है ये, आप देख सकते हैं अंदर सैटिन का कपड़ा लगा हुआ है जिससे कि फ्लो काफी अच्छा आता है लहंगे में। लहंगा अगर आप खरीद रहे हैं उसमें फ्लो नहीं है, उसमें घेर नहीं है, तो वो लहंगा यू नो जस्ट लाइक बिना चाय पत्ती की चाय, आई एम सॉरी फॉर द बैड जोक। सो या अगर आप लहंगे में फ्लो नहीं है, ये स्टिफनेस नहीं है, तो लहंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पहनने के बाद गाइस। तो अभी कैन कैन भी इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है साटन की, इसको मैं खोल लेती हूँ। सेमी स्टिच है ये, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलवा सकते हैं। एनीवेज तो मैं आपको अंदर का मटेरियल दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लेयर ऑफ साटन
जिसमें हल्का सा कैन कैन इधर भी लगा हुआ है जो स्टिफनेस में और ज्यादा हेल्प करेगा। एंड देन अंदर भी आपको ये नेटेड कैन कैन मिल जाता है पूरे लहंगे में गाइस, आप देख सकते हैं नीचे, जिससे कि यू नो वो जो एक स्टिफनेस नीचे रहती है आपके अराउंड जहां भी आप खड़े रहते हैं, वो खड़ा रहता है जो डिजाइन, यू नो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट ये जो डिजाइन होता है लहंगे का वो इस तरीके से खड़ा रहता है विद द हेल्प ऑफ दिस कैन कैन। तो जी हाँ, क्योंकि आप 3000 रुपये स्पेंड कर रहे हैं एंड आपको अच्छा खासा कैन कैन भी मिल रहा है, आई थिंक इट्स अ गुड डील। तो ये देखिए पूरे लहंगे में आपको ये कैन कैन मिल जाएगा थ्रू आउट, सो दैट जो आपका ये डिजाइन है नीचे ये खड़ा रहे, यू नो ये स्टिफ रहे और फ्लफी लगे। तो जी हाँ गाइस, मुझे काफी पसंद आया लहंगा फ्रॉम द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन भी बहुत अच्छा है एंड देन इसमें कैन कैन भी लगा हुआ है। तो यस, ये हो गया लहंगा। इस लहंगे के साथ आता है ऑफ कोर्स चुन्नी इसकी आती है एंड देन ब्लाउज आता है। पहले हम चुन्नी देख लेते हैं। तो ये है चुन्नी, नेटेड चुन्नी है ये और पूरे चुन्नी में मुझे दिख रहा है काफी अच्छा एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है इवन ऑन द बॉर्डर्स एंड पूरी चुन्नी आप देख सकते हैं काफी अच्छा डिजाइन है, काफी अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी गई है पूरी चुन्नी में। बट आई थिंक मेरे को ये चुन्नी काफी छोटी लग रही है, आप देख सकते हैं गाइस इसका लेंथ जो है काफी बड़ा नहीं है। आई मीन अगर मैं इसको डबल फोल्ड करूं तो इट इज ओनली दिस मच, तो काफी आई थिंक ये 1.5 या 2 मीटर का चुन्नी होगा, काफी छोटा चुन्नी है, आप इसको दोनों साइड से नहीं ले सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि मैंने जो फीडबैक पढ़ा था उस हिसाब से इसकी जो लेंथ थी काफी बड़ी थी। ब्रेथ इसकी ओके है, आप देख सकते हैं चौड़ाई इसकी नॉर्मल है, पर लेंथ में आई थिंक ये चुन्नी थोड़ा आई गेस आप इसे बहुत अच्छे से घुमा के नहीं ले पाएंगे, आपको एक ही साइड में इसको इस तरीके से लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ इसकी छोटी है, मे बी जस्ट लाइक दिस यू नो। पर जो काम इसमें किया गया है वो बहुत ही सुंदर है, इसके बॉर्डर्स बहुत प्यारे हैं आप देख सकते हैं, पता नहीं कैमरा पिक कर रहा है कि नहीं पर बॉर्डर भी इसका काफी प्यारा है गाइस। तो जी हाँ, चुन्नी का मुझे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा कि इसकी लेंथ इतनी छोटी है, बट विद द डिजाइन एंड एवरीथिंग जो भी इसमें काम किया गया जो फिनिशिंग है वो काफी अच्छी है। तो जी हाँ गाइस, ये तो चोली के लिए आपको मिलता है ये कपड़ा ग्रीन कलर का विद दिस सेम येलो एंड ग्रीन कलर के फ्लावर जो काफी अच्छे से जाता है विद द डिजाइन ऑफ द लहंगा एंड देख सकते हैं आप कपड़ा थोड़ा कम है, आई थिंक इट इज जस्ट 1.5 मीटर और समथिंग, कपड़ा काफी कम है तो आप शायद इसका सिर्फ या तो यू नो स्लीव काफी छोटे बना सकते हैं और शायद इसका जो हाइट होगा चोली का वो भी काफी छोटा होगा, बट आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के थोड़ा मैनेज कर सकते हैं आई गेस। सो ये डिजाइन है और बिल्कुल जो फोटो में है उससे काफी मैच करता है जो डिजाइन जो एम्ब्रॉयडरी की गई है पूरे चोली में। एम्ब्रॉयडरी इज ओके बट आई थिंक कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ जाएगा स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़े हेफ्टी हैं। चोली के कपड़े के साथ आपको मिल जाता है ये लाइनिंग, नॉट लाइनिंग इसे क्या कहते हैं, जो आप बाजू में लगा सकते हैं इस तरीके के, आप देख सकते हैं इसे आप या तो अपने नेक लाइन में यूज कर सकते हैं या तो आप अपने यू नो स्लीव्स में यूज कर सकते हैं एंड देन ये भी मिल जाता है आपको अगर आप यू नो फुल स्लीव्स का सिलवाने का सोच रहे हैं यहाँ तक और समथिंग लाइक दैट तो इसको आप यूज कर सकते हैं ऑन योर रिम्स, तो ये आपको मिल जाता है साथ में, इसको आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो जी हाँ गाइज, यही लहंगा है फ्रॉम दिस सब्यसाची। तो जी हाँ गाइज, यही लहंगा था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, काफी प्रिटी लहंगा है। अब मैं आपको पहन के इसको दिखाती हूँ कि कैसा एक्चुअल में ये लगेगा। मैं इसको पहनूंगी मेरे गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ एंड लेट्स सो ये देखते हैं कैसा ये एक्चुअल में दिखता है। अच्छा लगा एक्सेप्ट द चुन्नी वाला पार्ट,
चुन्नी काफी छोटी है उसकी, क्लोथिंग को जरूर फीडबैक देने वाली हूँ, क्योंकि जो पिंक वाला लहंगा था उसमें चुन्नी काफी बड़ी थी, मैंने देखा फोटोज में भी जो कस्टमर्स ने डाल रखे थे, बट सेम पीस ग्रीन में उसकी चुन्नी छोटी है, सो ये फीडबैक मैं जरूर सील क्लोथिंग को देने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पिंक वाला पसंद आए तो उसका लिंक भी मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वो भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा ये बहुत ही अच्छा पीस है गाइस, आपका सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लहंगा पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लहंगा जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो तक बाय।